हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राइजिंग यूआई 1.4 के बारे में, जो कि नया हमारे पोको F1 और बहुत सारे डिवाइसेस के लिए रिलीज हो चुका है। और गाइस, हम देखेंगे कि क्या कुछ इस नए कस्टमरों में चेंज देखने को मिलता है। और गाइस, ये ऑफिशियल बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे राइजिंग यूआई 1.4 दिखाई दे रहा है। और ये मैंने पोको F1 में फ्लैश किया है अपने, ठीक है, मेरे पोको M2 प्रो में मैं फ्लैश करके बताऊंगा। और गाइस, इसका भी रिव्यू आने वाला है जल्दी, तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और गाइस, यहाँ पे बताएंगे कि क्या कुछ इस कस्टमर में मिलता है, और गाइस यहाँ पे फीचर्स वगैरह क्या देखने को मिलता है और चेंजेस वगैरह क्या मिलता है, ठीक है। और ज्यादा डिफेंस ना करते हुए, मेरा नाम अनीश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस, सबसे पहले जैसे इस फोन को बूट करोगे ना, यहाँ पे आपका जो लॉन्चर देखने को मिलेगा, ये आपको ऑटस लॉन्चर ही देखने को मिलेगा। पुराने वाले जो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कुछ किए नहीं गए हैं, हाई से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो, आई मीन कोई भी ऐप को यहाँ पे लॉक या फिर हाइड कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पे इनेबल हैप्टिक फीडबैक ऑन रिसेंट स्क्रॉल भी देखने को मिलता है। ऐप ड्रॉअर की बात करें, ऐप ड्रॉअर में ये सारा कुछ कस्टमाइजेशन, जहाँ पे बैकग्राउंड ऑपेसिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि देख सकते हो कितना अच्छा इसका बैकग्राउंड जो है दिखाई दे रहा है ऐप ड्रॉअर में। और गाइस, यहाँ पे आपको रिसेंट्स में ना ये मेमोरी रिफंड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी इन्फॉर्मेशन में कितना GB फ्री है वो भी दिखाई दे रहा है रैम में। और यहाँ पे जितने सारे जो शॉर्टकट्स वगैरह ना, वो आपको यहाँ पे रिसेंट में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये चीज़ इस कस्टमर में सबसे बेस्ट किया गया है। और गाइस, ये पहले भी था, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी रिडिजाइन हो गया है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो जाता था कभी कभी, लेकिन अभी जो है जैसे आप इनेबल डिसेबल करोगे वैसे ये अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल हो गया है। अभी देख सकते हो फिर से इनेबल मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 3.1 GB फ्री है, ठीक है। और गाइस, जैसे BGMI वगैरह खेलोगे ना, यहाँ पे 4 GB तक फ्री भी अवेलेबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस, रैम मैंने बहुत ही अच्छा है इस कस्टम रूम का। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा इस कस्टम रूम में, वो है यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डायलर है, ये आपको USB डायलर मिलता है। और गाइस, इसका जो मैसेजिंग ऐप है वो भी आपको USB का मिलता है। चलते सेटिंग्स की ओर। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ये सारे कस्टमाइजेशन वगैरह मिलते हैं इस पर्सनलाइजेशन में। और गाइस, पर्सनलाइजेशन में भी आप सब कुछ नॉर्मल ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस अभी किए नहीं गए इस महीना, ठीक है। पिछले महीने थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे, लेकिन गाइस इस महीने में अभी कोई चेंजेस वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे यूजर इंटरफेस की बात करें, तो यूजर इंटरफेस में आपको यहाँ पे जो फंक्शनल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम आइकन पैक की बात करें, तो यहाँ पे सिस्टम आइकन पैक में यहाँ पे आपको ग्रेडिकॉन का भी ऑप्शन मिलता है। आई मीन ये सबटाइम थीम है जो कि कस्टम रूम में इनबिल्ड अभी आ रहा है कुछ कस्टम रूम्स में, जैसे कि डरफेस प्रो में और ये राइजिंग वे में। और गाइस, इसका जो अबाउट फोन का जो ये बैनर है इसको भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसका जो अबाउट फोन का सेटिंग का डैशबोर्ड है इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसका सेटिंग का डैशबोर्ड वगैरह, फिर यहाँ पे सर्च बार स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, रैंडम सेटिंग का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, इमेज वगैरह। और यहाँ पे सेटिंग हेडर इमेज को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और गाइस, सेटिंग हेडर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारा कस्टमाइजेशन इस कस्टम रूम में दिया गया है। और गाइस, ये पहले से ही आ रहा है, वैसे यहाँ पे नया कुछ नहीं है। यहाँ पे साउंड से बात कर, साउंड यहाँ पे आपको वाइब्रेट करने, वाइब्रेट डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप कॉल को कनेक्ट करोगे वाइब्रेट मारेगा, डिस्कनेक्ट करोगे वाइब्रेशन मारेगा, जिससे कि ये पता चलता है कि फ़ोन क्रॉस हुआ है या फिर यहाँ पे फ़ोन जो है यहाँ पे लगा हुआ है किसी को। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है यहाँ पे। और गाइस, अगर हम मिसलिनियस की बात करें, तो मिसलिनियस को यहाँ पे आपको हायर एपिसन गेम्स, गूगल कैमरा स्पूफ मिलता है, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज और यहाँ पे नेटफ्लिक्स स्पूफ मिलता है। और गाइस, ये जो चीज़ है ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ही नया, कुछ गूगल कैमरा फीचर्स जो है पिक्सल 7 प्रो जो नया आया है उससे यहाँ पे लिया जाएगा। और गाइस, कोई भी आप GCam यूज़ करो ना, यहाँ पे वो जो चीज़ है अनलॉक हो जाएगा। आई मीन ये जो ऑप्शन है ना, जैसे इसको ऑन करोगे तो गाइस वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे आपको, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक गूगल कैमरा आपको चाहिए होगा उसके लिए, तो गाइस उसका भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। खैर, इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस कस्टम रूम का रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ इसके क्विक सेटिंग्स के पैनल में। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो ऑटो ब्राइटनेस स्लाइडर, फिर यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस कहाँ पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, शेडो पे चाहिए, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉटम पे चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो इसका रो है, कॉलम वगैरह, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हाइट लेवल्स वगैरह, फिर यहाँ पे वर्टिकल लेआउट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो हाइट क्विक सेटिंग्स एंड सिक्योर लॉक स्क्रीन भी मिलता है, जो कि आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे डेटा यूसेज को भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से, और यह क्विक सेटिंग्स हेडर इमेज को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे हेडर इमेज दिया गया है इस कस्टम रूम के साथ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट लोकल इमेज भी देखने को मिलता है, जहाँ से आप लोकल इमेज को भी सेट कर सकते हो एज अ क्विक सेटिंग्स। तो गाइस, यहाँ पे कुछ तो काम नहीं कर रहा है अभी, तो कस्टम हेडर इमेज को ऑन करते हैं, अभी शायद काम करे। हाँ गाइस, अभी काम कर रहा है, तो हम इस वॉलपेपर को ही रख देते हैं। एंड जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जो वॉलपेपर है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये फ़ोन हैक मार रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये नया चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। और गाइस, थोड़ा सा सेटल में टाइम भी लगता है, देख सकते हो। यहाँ पे अच्छी तरह से तो नहीं हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पे आप अपना फोटो भी लगा सकते हो इसके क्विक सेटिंग्स के पैनल में, और अपना फोटो भी लगा सकते हो इस कस्टम रूम में, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन जो है कोई भी लैग या फिर डिले भी नहीं करेगा, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे
एक दो सेकंड हल्का सा यहाँ पे ये लैग मारेगा, लेकिन बाद में ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसरिंग से पेज ट्रांजिशन भी मिलता है, जहाँ पे आप जो है ट्रांजिशन को चेंज कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आ रहा है। ठीक है, हर एक ट्रांजिशन में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे टैबलेट की बात करें तो गाइस टैबलेट में ये कुछ इस टाइप का मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगता है और 60 FPS में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और ये सब चेंजेस जो करोगे ना, तो गाइस आपको एक अच्छा सा एक नयापन आएगा आपके डिवाइस में। और गाइस अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में ना, तो गाइस यहाँ पे बाकी जो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे इस कस्टमर में मिलते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया गया है। ये ट्रैफिक इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, और गाइस यहाँ पे 5G आइकन वगैरह नहीं मिलता है। कलर आइकन्स वगैरह ऑब्वियसली मिलेगा आपको इस कस्टमर में, और गाइस प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन, फिर यहाँ पे बैटरी स्टाइल वगैरह का ऑप्शन भी मिलता है इस कस्टमर के साथ। एंड अगर हम नीचे जाएंगे ना, तो गाइस यहाँ पे चलते हैं अबाउट फोन की ओर। तो गाइस अबाउट फोन यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, आप देख सकते हो इसका अबाउट फोन का जो UI है कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। पहले पहले अक्षत का जो यहाँ पे पंक्चर है कुछ अलग था, लेकिन डेवलपर ने इसका अक्षत का जो नाम है इसको थोड़ा ज्यादा ब्लैक करके हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे इसका राइजिंग UI वर्जन 1.4 दिखाई दे रहा है, पोको F1 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आपका कोई भी डिवाइस है, यहाँ पे आपको पोको M2 Pro या फिर कुछ भी है डिवाइस है, या फिर आपका अगर है ट्यूलिप, तो गाइस रेडमी नोट 6 Pro दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग डिवाइसेस है सबका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और गाइस कर्नल जो है यहाँ पे बहुत ही बेकार सा कर्नल, जो कि कवाई कर्नल है, मुझे शुरू से पसंद नहीं है उसका, बहुत ही घिन आता है उस कर्नल के साथ, क्योंकि वो कर्नल जैसे फोन बूट करोगे कभी कभी बूट भी नहीं होता है, बूट में अटक जाता है या फिर सेटअप में अटक जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप NG का या फिर दूसरा कोई भी कर्नल, रॉकस्टार कर्नल को भी ट्राई कर सकते हो या फिर दूसरा कोई भी कर्नल ट्राई करो, लेकिन गाइस कवाई कर्नल में मत रहना, क्योंकि गाइस कवाई कर्नल बहुत ही ज़्यादा लैग होता है। मतलब सिस्टम लगता है कि आपका फोन ही स्लो हो गया होगा, लेकिन गाइस फोन स्लो नहीं होता, एक्चुअली ये लैग मारता है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे नो ग्रेवी कर्नल को जैसे ही फ्लैश किया, तो गाइस मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, ना ही गेमिंग में ना ही कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो बिल्ड वर्जन है यहाँ पे 1.4 दिखाई दे रहा है, और गाइस एलिसियम दिखाई दे रहा है, फाइनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका सिक्योरिटी पैच है वो सेक्टर 5 का मिलता है, इसका मतलब ये है शायद ही नेक्स्ट महीने आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाए राइजिंग UI में, या फिर राइजिंग UI किसी दूसरे नाम से आ जाए कस्टम रोम, क्या पता, खैर वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन जो है 13 मिल रहा है इसका, यहाँ पे ईस्टर एग ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा इस कस्टम रोम के साथ। ठीक है, तो गाइस बाकी यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया इस कस्टम रोम के बारे में। यहाँ पे इसका देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका फोटो भी सेट कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे जैसे कि आप जाओगे तो ये वाला आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो बूम यहाँ पे आपका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपना फोटो भी लगा सकते हो यहाँ पे, और गाइस ओनर का भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। डिस्प्ले को चलते हैं, डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ये सारे कस्टमाइजेशन वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे वेक ऑन प्लग, टैप टू स्लीप वगैरह मिलता है, टैप टू वेक मिलता है, स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिलता है जिसको आप डिसेबल कर लेना ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे की, तो यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन में जाते हैं, साउंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे जो टच साउंड, स्क्रीन लॉकिंग साउंड वगैरह, फिर यहाँ पे डायल पैड टोन्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको MI साउंड इंजन में मिलता है, यहाँ पे डॉल्बी का कोई सपोर्ट मिलता नहीं है इस कस्टम रूम के साथ, तो गाइस इसका बात आप जरूर से ध्यान रखना। और गाइस सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और सब कुछ वर्क करता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे आपको जैसे सेट करोगे तो पासवर्ड मांगेगा ऐप्स में पासवर्ड को सेट कर सकते हो यहाँ से, और गाइस हाइड भी कर सकते हो लॉन्चर से। ठीक है, और गाइस ये दोनों चीज़ आपको इस कस्टम रूम में मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सिस्टम की, तो सिस्टम में से जाओगे ना, आपको यहाँ पे बटन्स के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जहाँ पे आप बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस टू टॉर्च वगैरह, फिर यहाँ पे नीचे तो आपको जो रीओरियंट मिलता है, और यहाँ पे क्लिक टू पार्शियल स्क्रीन शॉट भी मिल जाता है इस कस्टम रूम के साथ। राइजिंग अपडेटर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं अपने फोन को, लेकिन गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप जिप फाइल को डाउनलोड करके ही फ्लैश करना। बाकी यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा होगा। जैसे आप किसी भी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से एक एनिमेशन मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरीके से ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस ये चीज़ बहुत ही इस कस्टम रूम के साथ अच्छा देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको DNS वगैरह का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई चेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड थ्रेटनिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ इस कस्टम रूम में देखने को मिलता है। और गाइस ANX कैमरा की बात करो, तो गाइस ये ANX कैमरा नहीं है, एक्चुअली MIUI कैमरा है, जो कि एकदम ही ओरिजिनल वाला है। यहाँ पे आपको 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ इस कस्टम रूम में दिया गया है। और यहाँ पे बाकी सब जो है मैंने सब कुछ काम किया है, सब कुछ यहाँ पे मस्त चल रहा है, कोई भी यहाँ पे डिले फिर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइस रैम मैंने भी बहुत ही खास है इसका, बहुत ही बढ़िया है। जब आप BGMI को खेलोगे, खेल के अगर मिनिमाइज करके सारा दिन बाद अगर फिर से आप खोलोगे ना BGMI को, तो यहाँ पे बढ़िया से आराम से जो है उस गेम को वैसे ही छोड़ेगा जैसा आपने पहले रखा था। गेम वैसे मैंने खेला, मुझे अच्छा खासा तगड़ा FPS मिला है। ठीक है, कभी कभी जो है हॉट ड्रॉप, ज़्यादा हॉट ड्रॉप में ये लैग हो जाता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 और क्या ही झेल सकेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, अभी भी बहुत ही ज़्यादा दम है इसमें। तो गाइस मुझे इस कस्टम रूम को यूज़ करते हुए मुझे ये फील हुआ कि कस्टमाइजेशन तो इसमें है ही, साथ ही साथ बढ़िया आपको गेमिंग करवा के दे देगा। थोड़ा सा बैटरी बैकअप में यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, लेकिन गाइस बैटरी बैकअप
आपका, आप मत सोचो। अगर आपको गेमिंग चाहिए, अगर आपको BGMI चाहिए, तो गाइस उसके लिए आप डेफिनेटली इस कस्टमर को ट्राई आउट कर सकते हो विथ नो ग्रेविटी कर्नल। और गाइस इसका अगर आपको गेमिंग रिव्यू चाहिए कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए गेमिंग रिव्यू डाल के दे दूंगा। ठीक है, FPS वगैरह कैसा मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा इस कस्टमर के साथ, ये 1.4 वर्जन के साथ। और गाइस ये सेप्टेम्बर सिक्योरिटी पैच के साथ आ रहा है, तो गाइस ऑब्वियसली लेटेस्ट है। नेक्स्ट वाला जो अपडेट आएगा उसमें शायद ही एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाए आपको, ठीक है, इस कस्टम रोम के साथ। लेकिन क्या पता अभी जो डेवलपर के ऊपर है और सोर्स के ऊपर है क्या हो सकता है। ठीक है, तो गाइस बस यही तक इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। और गाइस इसका यहाँ पे मैंने कुछ भी टेस्ट वगैरह नहीं किया, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सीपीयू रोलिंग है उसमें वो थ्रॉटल कर ही जाएगा। और गाइस प्रोसेसर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उस लाल वाला जो बटन है उसको दबा के काला कर दो। और गाइस कैसा लग रहा है सेटअप नीचे कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना। और गाइस 97% लोग सिर्फ देख के वीडियो चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, ऐसे मेहनत आपके लिए तो कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ प्यार दिखाना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। और गाइस आप मुझे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं आप पे रिप्लाई वगैरह करता रहता हूँ। एंड आप मेरा जो चैनल है जहाँ पे मैं सब कुछ का अपडेट वगैरह पुश करते रहता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप डेफिनेटली इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। और गाइस जो इंस्टाग्राम ट्विटर में फॉलो कर सकते हो, और मेरा और एक चैनल है जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्मार्टफोन के भी रिव्यूज़ करता हूँ, उस चैनल को भी आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको प्यार दिखा सकते हो, उसका नाम है अनीश रिव्यूज़। तो गाइस मैं उसका एक बार आपको दिखा देता हूँ झलक। तो ये है मेरा चैनल, जाओ इसको सब्सक्राइब कर लो। और गाइस यहाँ पे जो जो वीडियोस है ना उसको देखो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कोई भी फ़ोन लेना है आपको, डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे रिव्यू वगैरह करता रहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा आपके बजट में और कैसा फ़ोन आपको चाहिए होगा। तो गाइस बस ये था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और गाइस उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ। और मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई एम ऑन लीव, बाय बाय गाइस।